हुंडई i20 2015 मॉडल है, आस्ता VT वेरिएबल टाइमिंग वॉल ट्रेन, यहाँ पे लिखा है VT। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ऑटोटेक में आपका स्वागत है। दोस्तों जो अपने पास हुंडई का आस्ता है i20 2015 मॉडल VT इंजन वेरिएबल टाइमिंग वॉल ट्रेन, तो इस गाड़ी में प्रॉब्लम है कि गाड़ी का इनिशियल पिकअप लैग हो जाता है, तो इस फॉल्ट को ट्रेस करेंगे और क्लियर करेंगे। साथ में इसके अंदर चेक लाइट आती है, इंजन चेक लाइट्स कंटिन्यूसली शो होती है, उसके बाद में पिकअप उसका ड्रॉप हो जाता है। तो आपको एक बार मैं प्रॉब्लम दिखाता हूँ, तो गाड़ी को एक बार स्टार्ट करते हैं। स्मार्ट की वाली है, इग्निशन स्विच ऑन करता हूँ, एक्सेसरीज इग्निशन स्विच ऑन हो गया और गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। गाड़ी मैंने स्टार्ट किया तो देखेंगे तो इसके अंदर जो चेक लाइट है गाड़ी स्टार्ट करने के बाद जाना चाहिए, लेकिन ये कंटिन्यूसली ऑन है। इट मीन्स गाड़ी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और कस्टमर का कंप्लेंट भी है कि इनिशियल पिकअप है ना इसका ड्रॉप हो जाता है, जैसा भी अपन ओवरटेक करते हैं किसी को तो ये पिकअप इसका डाउन हो जाता है और ये चेक लाइट कंटिन्यूसली ऑन है। तो इसको एक बार स्कैनर के ऊपर इसको स्कैन करते हैं और देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने VCI कनेक्ट कर दिया है और थिंक टूल मास्टर के ऊपर इसको एक बार स्कैन करते जाएंगे इंटेलिजेंट डायग्नोस में। ये इसका विन नंबर स्कैन कर रहा है, इसने इसका विन नंबर ले लिया, 2015 मॉडल है, विन नंबर भी आया गया i20 IB। डायग्नोस में जाते हैं, वर्जन ढूंढ पूछ रहे हैं, वर्जन को भी सिलेक्ट करते हैं। सिक्सटीन पिन ऑटोमेटिकली सर्च में जाएंगे, या फिर उसका पूरा डिटेल आ गया, ओके करते हैं। ये टोपोलॉजी सिस्टम आ गया तो अपने को पर्टिकुलर ECM, क्योंकि ये चेक लाइट आ रही है तो इंजन के अंदर प्रॉब्लम है, तो अपन ECM को स्कैन करेंगे, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को। इंटर करते हैं, स्कैनिंग चालू हो गया और एक बार इसका फॉल्ट कोड रीड करते हैं। रीड फॉल्ट कोड तो यहाँ पे शो हो रहा है P0075 इंटेक वॉल कंट्रोल सोलनॉइड सर्किट ब्लैंक 1, और ये प्रेजेंट में है, मतलब ये फॉल्ट इसके अंदर एक्टिव है, तो इसके ऊपर ही काम करेंगे, इंटेक वॉल कंट्रोल सोलनॉइड सर्किट। तो उसका आपको मैं लोकेशन दिखाता हूँ, बाद में इसका अपन सप्लाई भी चेक करेंगे, उसके अंदर कौन से वायर में क्या सप्लाई आता है, और फॉल्ट को अपन चेक करेंगे और क्लियर करेंगे। साथ में इस फॉल्ट में और एक आप देखेंगे तो इन्होंने डायरेक्टली मेंशन किया है, दो चीज़ के ऊपर गौर करेंगे कि इंटेक वॉल बताए, क्योंकि इंटेक वॉल आता है तो कुछ जगह पे फॉल्ट अलग रहेगा, तो इधर एग्जॉस्ट वॉल भी आएगा, या फिर इधर लिखा है बैंक वन और इंटेक वॉल लिखा है, तो ये दो चीज़ आपको समझना जरूरी है, क्योंकि कभी बैंक टू लिखा है और यहाँ पे एग्जॉस्ट वॉल लिखा है तो फॉल्ट अलग हो जाता है। तो कभी भी जो भी फॉल्ट कोड आता है उसको दो तीन बार रीड करेंगे तो आपको एक आइडिया आ जाता है, क्योंकि वो क्वेश्चन के अंदर आपका आंसर भी लिखा हुआ रहता है। तो इंटेक वॉल लिखा है तो इंटेक वॉल को ही अपन चेक करेंगे और प्लस बैंक वन। तो एक बार लोकेशन दिखाता हूँ, तो VT इंजन है तो इसके अंदर दो वॉल रहते हैं, यहाँ पे एक वॉल लगा रहता है वेरिएबल टाइमिंग वॉल ट्रेन बोलते हैं इसको सिस्टम को। तो ये एग्जॉस्ट साइड में है तो ये एग्जॉस्ट का वॉल है, यहाँ पे देखेंगे कैमशाफ्ट के बराबर जो उसका पुली रहता है वहाँ पे लगा रहता है, ये एग्जॉस्ट का है, और आपको ये इंटेक पे लगा रहता है, यहाँ पे देखेंगे 10 mm के बोल्ट के ऊपर लगा रहता है, ये इनलेट पे लगा है, ये बैंक वन है, तो फॉल्ट भी इसके ऊपर यही बता रहे हैं बैंक वन और इंटेक का बता रहे कंट्रोल सोलनॉइड सर्किट। तो इसको एक बार अपन चेक करते हैं, क्योंकि पुराने गाड़ी में जैसा एडवांस रिटायर सिस्टम था वैसा ही रहता है, लेकिन ये हाइड्रोलिक प्रेशर के ऊपर वेरिएबल टाइमिंग को एडजस्ट करेगा, टाइमिंग एडवांस रिटायर का सिस्टम है, ऑयल प्रेशर के ऊपर रहता है, सोलनॉइड वॉल दिया हुआ है। तो इसको एक बार चेक करते हैं,
तो ऐसा इसका जो प्रॉब्लम है, ये जगह पे ही मिल गया। इसका जो वॉल है, इनटेक वॉल, ये टूटा हुआ है, इसके अंदर टूटा हुआ देखेंगे, क्योंकि ये इसका ये आधा पीस इसके अंदर टूटा हुआ है, इसके वजह से फॉल्ट कोड बता रहे हैं। साथ में इसके अंदर अपन स्विच ऑन में इसके अंदर सप्लाई भी चेक करेंगे कि कौन से वायर में क्या सप्लाई आता है। तो इग्निशन स्विच को मैं ऑन करता हूँ, इग्निशन स्विच को ऑन रखा हूँ मैं। तो मल्टीमीटर को मैंने 20 वोल्ट डीसी पे सेट किया है, और जिसका ब्लैक प्रोब मैंने ग्राउंड में लगाया है नेगेटिव में, और रेड प्रोब अपन फर्स्ट, अपन ये सोल वॉल है तो वॉल ये 12 वोल्ट पे काम करता है, क्योंकि एक्चुएटर है तो इसके अंदर 12 वोल्ट आना ज़रूरी है। तो अपन फर्स्ट देखेंगे कि 12 वोल्ट आ रहा है क्या इसमें पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखेंगे तो बैटरी वोल्टेज शो हो रहा है 12 वोल्ट। सेकेंड में सेम स्टेप्स यूज़ करेंगे, ब्लैक प्रोब मैं निगेटिव में ही रखूँगा, और रेड लीड है अपन दूसरे वाले सेकंड में लगाएंगे। तो यहाँ पे 3.5 बता रहा है, अभी क्या हो रहा है 3.5 है वो इसलिए बता रहा है कि ये इंटीग्रेटेड सर्किट है, मतलब इसका जो वायर है ना ये सीधा ECM के अंदर चला गया। तो ये कोई ना कोई IC से कनेक्ट है, इसकी वजह से ये 3.5 हो रहा है। लेकिन जैसे भी गाड़ी स्टार्ट होएगी तो ये निगेटिव हो जाएगा, और ये ECM है इसको कंट्रोल करेगा अपने हिसाब से। निगेटिव को भी कंट्रोल किया जाता है अपने हिसाब से, मतलब कभी उसको 8 वोल्ट चाहिए, उसको 6 वोल्ट चाहिए या 12 वोल्ट चाहिए, तो अपने आप वो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव ऑलरेडी आ रहा है और ये निगेटिव ECM कंट्रोल करेगा। जब भी फिलहाल यहाँ पे स्विच ऑन कंडीशन में 3.5 बता रहा है, इट मीन्स इसका वोल्टेज प्रॉपर है। प्रॉब्लम इसका वॉल में है, तो वॉल को एक बार अपन खोलते हैं। तो इसको मैंने निकाल लिया, हॉट है, और यहाँ पे देखेंगे ये टूटा हुआ है। तो इसको अपन यहाँ पे चेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो ये इसका ओल्ड है, और मैंने नया वाला लाया हुआ है, न्यू ब्रांड। तो इसको एक बार फिटिंग करते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं। फाइनली फिटिंग कर दिया मैंने, ओल्ड वाला है। गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं, फॉल्ट को एक बार मैं क्लियर करता हूँ। यस कंप्लीट, रेड फॉल्ट कोड तो नो ट्रबल कोड। और एक बार गाड़ी को स्टार्ट करके भी देखते हैं। तो स्टार्ट किया और देखेंगे तो इसका जो चेक लाइट था आ रहा था वो चला गया। वापस एक बार रेड फॉल्ट कोड करता हूँ, गाड़ी को स्टार्ट ही रखा मैं, नो ट्रबल कोड, गाड़ी अपनी स्टार्ट है। तो इनटेक वॉल क्रैक होने की वजह से ये प्रॉब्लम आया था, तो ये प्रॉब्लम अपना रिजॉल्व हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला रहेगा। वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।